अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने ना यार काफ़ी दिनों से ना व्लॉग नहीं बनाया कि पिछले दिनों में ना काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, इस वजह से ना व्लॉग नहीं बनाया हमने। और हमारी सर्दियों के दिनों में ना काफ़ी मुर्गियाँ बीमार भी हो गई थी और उनमें से 2-3 मुर्गियाँ एक्सपायर भी हो गई हैं और हमारी 3-4 मुर्गियाँ जो अंडे भी देने शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वाली मुर्गियाँ हमारी ना अंडे दे रहे हैं। ये एक जो है ब्लैक वाली और एक ये ब्राउन वाली और एक जो ये ब्लैक है ये भी दे रही है और एक ये वाली भी दे रही है। ये 4 मुर्गियाँ दे रही हैं और ये एक जो ये वाली और ये वाली मुर्गी है ना, इन्होंने भी कुछ दिनों में ना अंडे देने शुरू कर देने हैं। और हमारी एक मुर्गी ना अंडा देने वाली है। कैमरे को ना हम उसके अंदर ही रख देते हैं, केज के अंदर। ये दोस्तों हमारी ना दूसरी मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। अब ना हम उन अंडों को जाके ना उठा लेते हैं। ये देखें, दोनों अंडे पड़े हुए हैं सामने। ये देखें, ये काफी दूर है। ये देखें दोस्तों, ये अभी हमारी 2 मुर्गियों ने दिया है, अभी बाकी 2 और रहती हैं जिन्होंने अभी देना है। और ये जो 2 वाली है ना, इन्होंने भी देने अभी स्टार्ट नहीं किए, ये स्टार्ट हो जाएंगी थोड़े दिनों में। अंडों को ना हम इधर रख देते हैं, बाद में जाते वक्त ले जाएंगे हम। दोस्तों हमारी ना सर्दी की वजह से 3 मुर्गियाँ ना जो वो एक्सपायर हो गई थी, वो लगाने के 3-4 दिनों के अंदर अंदर ना 3 मुर्गी हमारी एक्सपायर हो गई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और बाकी वो दुख की खबर है, बाकी खुशी की खबर ये है कि हमारी मुर्गी अंडे भी देने लग गई हैं। 4 मुर्गी अंडे दे रही हैं और 2 और देने लग जाएंगी, और ये बहुत खुशी की बात है। दोस्तों ये वाली हमारी जो मुर्गी है ना, ये जो हमारी जो ये वाली जो मुर्गी है, ये दूसरी मुर्गियों को ना बहुत मारती है। ये बदमाश मुर्गी है, इसको ना हम अलहदा ही बंद करके रखते हैं ज़्यादातर। कब जब खाना वगैरह डालना हो तो तब इसको साथ में इनके छोड़ देते हैं, वरना इसे अलहदा ही रखते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।